स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए जाने के बाद सबसे पहली कंपनी जिन्होंने हुआवे का साँच फेरा वो थी गूगल, और यही गूगल अब हुआवे के साथ काम करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने जैसे ही बैन किया था हुआवे को, उसके 24 घंटों के अंदर गूगल ने अपनी बिजनेस समाप्त करने की घोषणा की थी हुआवे के साथ। और इसी 24 घंटे के घोषणा के अगले 24 घंटे बाद गूगल ने टेम्प्रोरी लाइसेंस प्रोवाइड कराया हुआवे को कि अगले 90 दिनों तक जो है वो उनके एग्जिस्टिंग डिवाइस में अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन इसी 90 दिनों के कंप्लीट होने के बीच में ही गूगल को एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। गूगल ने हुआवे के साथ अपने बिजनेस को समाप्त करके, और अब जो है गूगल काम करना चाहती है हुआवे के साथ मिलकर। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर क्यों चाहती है, क्या हॉन्गबेंग ओएस के रिलीज होने से डर गई है गूगल, या फिर क्या कोई और बात है, या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से गूगल चाहती है कि वो हॉन्गबेंग ओएस हुआवे के द्वारा रिलीज ना की जाए, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि यूएस गवर्नमेंट ने जैसे ही बैन किया हुआ वे को, कई बड़ी कंपनियों जैसे इंटेल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, एआरएम, इन सारी कंपनियों ने इनका साथ छोड़ दिया। कई संगठनों ने भी इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन फाइनली इसी बीच जो है हुआवे ने हॉन्गबेंग ओएस अपना खुद का ओएस रिलीज़ कर दिया और कई देशों में इसे रजिस्टर करा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं गूगल को ये बात जो है काफ़ी देर से समझ में आई कि इस ओएस के रिलीज हो जाने से उसके एंड्रॉयड पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, और उसके जितने भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करे उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फाइनली जो है गूगल ने जो दलील दी है कि वो हॉन्गबेंग ओएस के रिलीज होना हो जाने के बाद जो है उसमें जो है सिक्योरिटी के लिहाज से वो डिवाइस को यहाँ पे हैक किया जा सकता है काफ़ी आसानी से, चूँकि आप सभी जानते हैं कि गूगल हर एक महीने जो है सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड कराती है, और ऐसे में जो है अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन हॉन्गबेंग ओएस इतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इसके डिवाइस को हैक किया जा सकता है आसानी से। लेकिन जो बातें यहाँ पर गूगल ने कही है वो कहीं ना कहीं सच है, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब बैन यहाँ पर लागू रहेगा तब तक जो है चाह कभी गूगल अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी हुआवे को, और ऐसे में जो है गूगल चाहती है कि बैन जो है जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा होगा। और इसीलिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से ये अपील भी की है कि वो जो है इस बैन को रिमूव कर ले, चूँकि यह जो है बैन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का जोखिम हो सकता है, ऐसी दलील दी है गूगल ने। अब देखना यह है कि अगले 90 दिनों के अंदर क्या कुछ होता है, क्या ये बैन रिमूव हो जाती है पूरी तरह से या फिर नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि हुआवे जो है कई देशों में अपने आर्क ओएस और हॉन्गबेंग ओएस को जो है यहाँ पे रजिस्टर करा चुका है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हुआवे वेट करेगी और वो जल्द ही अपने ओएस को रिलीज़ करेगी। हालाँकि हुआवे के हॉन्गबेंग ओएस से रिलीज डिवाइस के हैक होने के चांसेस ज़्यादा है, ये आप सोच सकते हैं। सिक्योरिटी उतनी ज़बरदस्त नहीं होगी, सिक्योरिटी के लिहाज से ये ओएस कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसे धीरे धीरे फिक्स किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर एंड्रॉयड और हॉन्गबेंग ओएस सेम है, या फिर दोनों पर अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो हम क्यों हॉन्गबेंग ओएस को चुनें। अगर हमारे फ़ोन में यूट्यूब, जीमेल या फिर जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो अगर वर्क नहीं करेंगे तो आखिर हॉन्गबेंग ओएस का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि भले ही गूगल ये कह रही हो कि हॉन्गबेंग ओएस को हैक किया जा सकता है आसानी से, और इसीलिए वो चाहती है कि हॉन्गबेंग ओएस रिलीज़ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गूगल के बिज़नेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा हॉन्गबेंग ओएस के रिलीज हो जाने के बाद। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड के न सिर्फ स्मार्टफोन होते हैं, टीवी या फिर वाईफाई गैजेट्स जितने भी होते हैं वो बहुत सारे गैजेट्स जो है एंड्रॉयड पर रन करते हैं, और ऐसे में जो सारे गैजेट्स जो है रन करेंगे हॉन्गबेंग ओएस पे या फिर कोई दूसरा ओएस आर्क ओएस होगा उस पर रन करेंगे, और ऐसे में जो है गूगल के बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गूगल परेशान है, और हुआवे चूंकि एक छोटी कंपनी नहीं है जो इफेक्ट ना पड़े, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है गूगल के ही बिजनेस पे, और इसी बात को लेकर परेशान है गूगल, और वो काम करना चाहती है हुआवे के। लेकिन दूसरी तरफ हुआवे ने अपने कई देशों में आर्क ओएस और हॉन्गबेंग ओएस को रजिस्टर करा लिया है, तो देखना यह है कि अगले 90 दिनों में बैन रिमूव होती है या फिर नहीं। अब गूगल की तरफ से दबाव आई है तो कहीं ना कहीं बैन को रिमूव करने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर जैसे इस पर कोई अपडेट आती है हम आपको जरूर सूचित करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सवाल मन में है तो कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।